तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने देखा होगा कि जो दूसरे फ़ोन होते हैं, अगर आपने अपने फ़ोन में कभी देखा होगा कि जो गूगल का जो सर्च वाला आइकन होता है जो हमें होम पेज पर देखने के लिए मिलता है, तो अगर वो आपके फ़ोन से हट चुका है तो अगर आप उसे दोबारा से लगाना चाहते हो या फिर आपसे गलती से रिमूव हो गया था तो उसे आप कैसे लगाना चाहते हो या फिर रिमूव करना है तो भी आप इस वीडियो को देखना। इसमें मैं दोनों चीज़ सिखाऊंगा, रिमूव करना भी सिखाऊंगा और कैसे लाते हैं उसको, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जैसे आप देख सकते हो गूगल का जो सर्च बार आइकन जो होता है सर्च वाला, इससे आप कैसे यहाँ से हटा सकते हो या फिर कैसे लगा सकते हो। तो चलिए पहले मैं आपको हटाना सिखाता हूँ। तो आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो इस तरीके से मेरे में रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जैसे इसे इस तरीके से अगर स्लाइड करोगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद तो आपका इस तरीके से कहीं रिमूव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मेरा यहीं पर आ रहा है, तो अभी यहीं से जो है कि मैं इसे रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। सो अभी यहाँ पे मैंने इसे रिमूव किया और अब मैं दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे लगा सकते हो। तो आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है अपने स्क्रीन पे, और जैसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपका जो कि अभी खुल जाएगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे विडगेट्स आप ढूंढ लेना है विडगेट्स पे, और उसके बाद यहाँ पर अभी आपको गूगल ढूंढ लेना है इसमें। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो गूगल रहा मेरा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने गूगल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके 5 आइकन मिलते हैं हमें सर्च कर गूगल के, जो हम लगा सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो अभी चलिए ये वाला मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर जैसे जैसे छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते तो कुछ इस तरीके से लग चुका है हमारे स्क्रीन पे। तो इसी तरीके से आप भी अपने फोन पे जो कि गूगल का सर्च बार जो होता है, सर्च आइकन जो होता है, आप अपने फोन पे भी लगा सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना।